विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में कांवरियों की सेवा के लिए खिजूरिया कांवरिया पथ में नंदी बम सेवा शिविर लगा है, जिसका विधिवत उद्घाटन नंदी बम सेवा शिविर के संचालक संजय कुमार पांडे ने बाबा भोलेनाथ की पूजा व आराधना कर की। नंदी बम सेवा शिविर में कांवरियों को क्या क्या सुविधाएं दी जाएगी, इसे लेकर संजय कुमार पांडे से खास बातचीत की हमारे सहयोगी रंजीत कुमार ने। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में हर साल नंदी बम सेवा शिविर लगता है और लाखों हजारों श्रद्धालुओं की सेवा की जाती है, और आज विधिवत नंदी बम सेवा शिविर का मंत्रोच्चारण पाठ वैदिक पाठ के साथ ही आज कांवरिया पद खिजूरिया में शिविर का उद्घाटन विधिवत हुआ। और हमारे बीच बाबा भोलेनाथ के अनन्य परम भक्त में से एक संजय कुमार पांडे उर्फ नंदी बम हमारे बीच हैं और जानते हैं किस भाव से और किस तरह से सेवा करते आ रहे हैं और क्या क्या सेवा देंगे आप। जी, नंदी बम सेवा शिविर का मुख्य उद्देश्य बोल बम कांवरिया पथ में या समाज में अन्य जगह पर नशाखोरी के बढ़ावा देने को रोकने के लिए संकल्पित कराना है। इसीलिए नंदी बम सेवा का शिविर लगाया जाता है कि जिस तरह कांवरिया बम रास्ते में गांजा भांग इत्यादि का प्रयोग करते हैं, जिससे समाज में और तरह कई तरह की कुरीतियाँ फैल रही हैं। ये क्या क्या सेवा रहेगा इस बार, चूँकि हर साल हम देखते आ रहे हैं जितनी भी लगभग सेवा होती है कांवरियों को, फल फूल से लेकर जितनी भी सेवा शरबत हो सभी अवेलेबल होता है, कि इस बार क्या क्या रहेगा? जी, इस बार शिविर में भी पेयजल की व्यवस्था, शरबत की व्यवस्था, फलहार की व्यवस्था, भोजन प्रसाद की व्यवस्था, विश्राम की व्यवस्था, अन्य सभी कांवरिया के जरूरत के सभी जितने भी चीज़ है सबकी व्यवस्था की गई है। क्योंकि पिछले नंदी बम हम जानना चाहेंगे, पिछले दो साल की बात करें तो दो साल कोरोना कारण नहीं लग पाया, बाबा से आप बहुत दूर रहे, ऐसा मैं कैसा लगा आपको? नहीं, बहुत बुरा लग रहा था, वो तो पूरे संसार पे आपदा आई थी। बाबा बैद्यनाथ से यही हम निवेदन करते हैं कि ऐसी कोई आपदा फिर समाज पे ना आए जिस तरह की इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न। तो बाबा से आप दो साल दूर रहे, आपको कैसा फील हो रहा था? नहीं, हमको बहुत दुख फील हो रहा था, हम लग रहा था कि हम लोग कहाँ फंस कैसे हो गए, ऐसा कैसे समाज में होगा कि हम लोग बाबा से मिल नहीं पा रहे हैं। बाबा की कृपा थी, उसको स्वीकार किया गया। तो आप समझ सकते हैं अब नंदी बम काफ़ी खुश है, क्योंकि फिर से बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रावणी मेला लगा है और इनको सेवा का मौका लगा है, तो निश्चित तौर पर ये निस्वार्थ भाव से बाबा बैद्यनाथ धाम में सभी श्रद्धालुओं का सेवा करेंगे और यह पूरे श्रावण मास तक ये सेवा जारी रहेगा। कैमरा पर्सन विनय देव के साथ रंजीत कुमार, समाचार प्लस, देवघर।